ये सनु जी, बात करें अगर अब बिनौला खल की, कॉटन सीड ऑयल केक की, तो हमने बिनौला खल में देखा था कि पहले 3400 का लेवल टच हुआ, वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, फिर 3300 के लेवल्स पर काफ़ी समय तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखा, फिर वहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग बनती देखी और लेवल 3100 तक भी बनते देखे। लेकिन 3100 का लेवल छूने के बाद देख रहे हैं बिनौला खल एक बार फिर से निचले स्तर से खरीदारी में रहा है और अभी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से अब फिर से 3400 का लेवल देखने को मिल पाएगा इस कारोबारी सप्ताह? और देखिए, लगता नहीं है कि ऐसा कोई लंबी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने कॉटन में भी गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी जो मार्केट आज ऊपर आया है, एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। हमें लगता है कि अगेन यहाँ पे हायर लेवल बिकवाली देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि दोबारा से नीचे में 3100 तक के लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। हमारा व्यू यहाँ पर अभी थोड़ा सा लिटिल बिट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव है। हमें लगता है कि करंट ट्रेड से बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, 100 रुपए तक की गिरावट कॉटन सीड ऑयल केक में देखी जा सकती है। जी, तो यानी कि बहुत ही छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनुज जी के मुताबिक बिनौला खल में यहाँ से थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है, बिकवाली या बिनौला खल में हावी होती हुई नजर आ सकती है। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।